रेडी 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 एकदम रेडी। अस्सलाम वालेकुम हबीबी। जैसे कि अगर आपको टीएमसी प्रॉपर्टी लेनी हो महारेरा अप्रूव्ड फ्रॉम उमरा स्टेशन टू शिलफाटा, तो आपको पेमेंट करना होगा 1% पेमेंट प्लान पे आप फ्लैट बाय कर सकते हो, जिसमें आपका डाउन पेमेंट एक होता है। डाउन पेमेंट देने के बाद एवरी मंथ का आप 1% पेमेंट प्लान पे फ्लैट खरीद सकते हो। हमारे जवान ने जैसे आपको बताया कि आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर संपर्क ना हो सके तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हमारे मेंबर टीम मेंबर से या हमारे मैनेजर से मिलिए, बात करिए, इंशाल्लाह इस ऑफर का बेनिफिट उठाएं। मैं शामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस समय मौजूद है मुमरा के दारुल फलाह मस्जिद के पास और आप देखेंगे कि जुमा की नमाज जो है दारुल फलाह मस्जिद से खत्म हुई है, तमाम नमाजी जो है वो बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरह से इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध जारी है और फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में मुमरा शहर में जुमा की नमाज के बाद किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना हो, इसलिए शील डायगर पुलिस और मुमरा पुलिस की तरफ से मुबारक हॉल में एक मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में डीसीपी गणेश गावड़े भी शामिल हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर तमाम उलमा इकराम से ये कहा था कि जुमा की नमाज के बाद जो है किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना किया जाए, और इसी को जिस तरह से पुलिस ने लोगों से आह्वान किया, लोगों ने भी पुलिस की बात मानी और आज जुमा की नमाज के बाद मुमरा शहर में कहीं भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखने को मिला। हालांकि मुमरा शहर के अलग अलग मस्जिदों में फिलिस्तीन के लिए दुआ मांगी गई है, क्योंकि फिलिस्तीन जो है वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। और दारुल फलाह मस्जिद पर जुमा की नमाज खत्म होने के बाद जो तमाम नमाजी बाहर निकले, उसमें से कुछ नमाजियों से हमने बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुना। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मुमरा हमेशा सेकुलरिज्म पे रहा है, इसने कोई भी विवादित कभी भी कोई स्टेटमेंट या कोई चीज नहीं दिया है। देखिए, फिलिस्तीन और जो इसराइल की जो लड़ाई है वो किबले अव्वल को लेकर है, उनके ऊपर दुनिया जानती है बेहतर तरीके से कि उनके ऊपर हमेशा जुल्म हुआ है, वो हमेशा अपनी जुल्म की लड़ाई लड़े हैं। और आज जो लड़ाई वो हमास और इसराइल की है, ना कि फिलिस्तीन और इसी है। फिलिस्तीन के हक में लोगों ने इसलिए दुआ किया है कि हमेशा उनके ऊपर जुल्म हुआ है, और इस जुल्म के खिलाफ हर मस्जिदों में दुआ हुई कि अल्लाह ताला जो किबले अव्वल की जो हिफाजत करे, फिलिस्तीनियों के बच्चों के बूढ़ों की औरतों की अल्लाह उनकी हिफाजत करे, बस यही दुआ मस्जिदों में हुई है, इसके अलावा और कोई दुआ नहीं हुई है। देखिए, मुमरा पुलिस ने हमेशा हमेशा सपोर्ट किया है, जब भी मतलब किसी भी मामले में, और यहाँ के लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया है, तो इस बारे में मतलब कोई विवादित रहा ही नहीं है, तो इस बारे में बात करना ही मुनासिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर वासियों ने हमेशा प्रशासन का, मुमरा पुलिस का और हमारे प्रशासन का हमेशा साथ दिया है। उसी तरीके से प्रशासन ने भी हमेशा हमारा कोऑपरेट किया है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज कहीं भी मुमरा शहर में आज प्रोटेस्ट नहीं किया गया फिलिस्तीन को लेकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सभी मस्जिदों में, अक्सर मस्जिदों में आज दुआएं की गई है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम यही करते हैं कि जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए उनको कामयाबी अता करे। और जैसा कि वो हमने भी, हमारे हिंदुस्तान ने भी जब आजादी ली थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी हमने हमने लड़ाई लड़कर अंग्रेजों के खिलाफ सब एक होकर लड़े थे, हमने हमारी जमीन के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी। आज वो भी फिलिस्तीन के अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसको उनमें कामयाबी अता करे। ठीक है, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में या ऐसी कोई भी चीजें होती हैं तो हम लोग प्रोटेस्ट करते थे, जो जायज प्रोटेस्ट हो वो जायज प्रोटेस्ट हम करते थे। अभी जैसे कि फिलिस्तीन और इजराइल का मामला चल रहा है, काफी वहां पे बमबारी हो रही है, तो हमारी पुलिस प्रशासन का कहना था कि आप लोग कोई ऐसा प्रोटेस्ट ना करें जिससे हमारे शहर का माहौल बिगड़ सकता है। तो उसी को देखते हुए हमने प्रशासन की बात मानी और हमने कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया, मगर काफी सच्ची मस्जिदों में दुआ हुई है फिलिस्तीन के लिए और फिलिस्तीन अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह उसे कामयाब करे, ये हमारी उसके लिए दुआएं।